Welcome to Disciplining Online Classes. Today I am going to discuss about the next chapter, the reconstitution of partnership fund through admission of a new partner. मैंने इसके पहले reconstitution of partnership fund through change in profit sharing ratio, हमने change in profit sharing ratio के condition में हम फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किए थे। अब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय फर्म में क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एक बार उसको फिर से रिवाइज करना चाहेंगे, कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको आपने पढ़ लिया है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखा कि पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो अपना ओल्ड रेशियो चेंज करके न्यू रेशियो करते हैं, और न्यू रेशियो करने में जो पहले के जो एसेट और लायबिलिटी है उनका रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशन करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता था, एक पार्टनर्स कैपिटल बनाया जाता था, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसमें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के केस में हम वही चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, बट लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब हम अब ये बाकी के दो थी, केस रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। किसी फर्म में किसी पार्टनर का अगर एंट्री होता है तो उस फर्म में क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पार्टनर की फर्म में क्या इफेक्ट पड़ता है उसका स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि अगर ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर में 3:2:1 का रेशियो है, एक न्यू पार्टनर आता है सी, ये न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो ध्यान देखिए कभी भी अगर दो लोग पहले से कोई फर्म चला रहे हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अगर कोई तीसरा पार्टनर अगर उस फर्म में एंट्री करता है, वो भी पार्टनरशिप में इंक्लूड होता है, तो जो प्रॉफिट होगा, जो शेयरिंग रेशियो होगा इनका, वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अब जब वो नया पार्टनर आएगा तो वो भी उस प्रॉफिट में शेयर करेगा। जब प्रॉफिट वो शेयर करेगा तो इसके लिए शेयर करने के लिए उसको भी कुछ करना पड़ेगा, यानी कि ये पार्टनर क्या लाएगा, अपना कैपिटल लेके आएगा। दूसरी चीज कि फर्म के पास भी गुडविल है, तो अगर इसके साथ गुडविल है वो गुडविल भी लेके आएगा, इतनी चीजें वो फर्म को देगा, तो फिर ये दोनों पार्टनर उसको एडमिट करेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे, और फिर इसको भी प्रॉफिट में से शेयर देंगे। लेकिन जब हम प्रॉफिट, जब ये भी एडमिट हो जाएगा और इसको भी कुछ शेयर देंगे, ये शेयर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि इनका जो प्रॉफिट होगा वो कम क्यों होगा, क्योंकि ए भी देगा सी को और बी भी देगा सी को, दोनों देंगे। जब ए और बी दोनों देंगे सी को तो इनका प्रॉफिट कम होगा, यानी कि ए भी सेक्रीफाइस करेगा अपना प्रॉफिट और बी भी सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर के केस में क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हम इसके पहले चैप्टर में जो वीडियो बने थे उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी लिखे थे, और फिर मैं लिख रहा हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, कौन कितना सेक्रीफाइस करता है। अब इसमें अलग अलग कंडीशन होते हैं कि अब जो ये न्यू पार्टनर आ रहा है तो ये कैपिटल भी ला रहा है, गुडविल ला रहा है, जो फंड को रिसीव हो रहा है,
जब ये थर्ड को रिसीव होगा तो हम इसकी एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अभी ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर में से, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इस चीज को देखेंगे। तो अगर हम इस चीज को कैलकुलेशन करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो ये कब होगा, जब ओल्ड रेशियो, जैसे यहाँ पे 3:2 का ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया है, ए बी सी का न्यू रेशियो दे दिया, ए बी सी इनका रेशियो दे दिया है 3:1, मतलब ये ओल्ड रेशियो हो गया, ये ओल्ड रेशियो होगा ए बी का और ये न्यू रेशियो होगा ए बी सी का, सी के एडमिशन के बाद ये रेशियो हो जाता है। अगर हमको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ए का निकालेंगे, ए इज इक्वल टू 3/5, न्यू रेशियो क्या है 3/6, हो गया अभी हम लोग 6/30, 5/6/30, 6/3/80, -6/5/30, 5/15, यानी कि ये 3/30, ये क्या करेगा सेक्रीफाइस करेगा। अब यहां पर बी को निकालेंगे, 2/5 -2/6, अभी क्या हो जाएगा 30, 5/6/30, 6/12, 6/30, 5/8, 2/30, यानी कि ए कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/30, बी कितना सेक्रीफाइस करेगा 2/30। अब पार्टनर का शेयर देखेंगे, यानी कि ए जितना सेक्रीफाइस करेगा और बी जितना दोनों सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही क्या मिलेगा, सी को मिलेगा, यानी कि सी को देखेंगे तो ए सेक्रीफाइस किया है 3/30 और बी सेक्रीफाइस किया है 2/30, उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/30 हो जाएगा, यानी कि 5/30 होने मतलब 5/5, 5/6/30, इसका शेयर हो गया सी का 1/6, और यहां से आप देख सकते हैं कि सी का शेयर कितना है 1/6, ए का शेयर 3/6, बी का शेयर 2/6 और सी का 1/6, इसलिए यहां से आप सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। अब जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे तो यानी कि अब इनका ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, ये देखिए 3/30 है और ये क्या है 2/30 है, यानी कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो 3:2 होगा, यानी कि हमको इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और जो गुडविल दिया रहेगा वैल्यूड गुडविल, हम उस वैल्यूड गुडविल अगर जो पार्टनर लेके गुडविल अपने साथ आएगा उसी गुडविल को हम इसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांधेंगे, या वैल्यूड गुडविल अगर है वो पार्टनर लेके आया है तो उस वैल्यूड गुडविल में इस पार्टनर का शेयर निकालेंगे, इसी का शेयर 1/6 है, तो अगर गुडविल सपोज करिए वैल्यूड गुडविल 60,000 है, 60,000 में न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे और ये 10,000 आएगा और इसी 10,000 को आप 3:2 के गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हो गया पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका। दूसरी चीज कि अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तब कैसे करेंगे, तो न्यू रेशियो नहीं देने पर आप क्या करेंगे कि अगर सपोज करिए ए बी और सी पार्टनर्स हैं, ये देखिए ए और बी दो पार्टनर हैं, इनके बीच रेशियो 3:2 है, एक न्यू पार्टनर सी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, पहले मैंने समझाया था उसमें न्यू रेशियो दिया था, यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि सी इतने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और ए बी का ओल्ड शेयर 3:2 है। इस केस में
हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाकी रूल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर लिखेंगे यहां पर ओल्ड शेयर 3:2, एबी के बीच ओल्ड शेयर 3:2 है, अब लिखेंगे सी शेयर, सी का शेयर कितना है 1/6, यहां पे दिया हुआ है सी का शेयर 1/6 है, अब यहां पे हम निकालेंगे रीमेन शेयर निकालेंगे, रीमेन शेयर तो टोटल प्रॉफिट 1 होता है, 1 माइनस न्यू पार्टनर का जो शेयर है 1/6 इसमें से माइनस कर लेंगे 6/6 5/6 आ गया, यानी कि अब टोटल जो प्रॉफिट 1 था उसमें से आपने सी को शेयर जब दे दिया तो जो ये प्रॉफिट बचा इसी को अब ये 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, यानी कि अब अगर हम देखेंगे तो अब इसको क्या करेंगे, हम बांटेंगे 5/6 को, तो 5/6 को किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे ए और बी के बीच में, यानी कि लिखेंगे यहां पर ए न्यू शेयर कितना हो जाएगा, तो 5/6 जो बचा हुआ शेयर है 5/6 मल्टीप्लाई 3/5 देखिए यहां पर कितना आ गया 3/6 आ गया, ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकालेंगे, बी न्यू शेयर इक्वल टू 5/6 इसी शेयर में से इसको निकालेंगे 5/6 मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर 2/5 कितना आ गया 2/6, अब अगर हम सी का शेयर देखेंगे तो सी शेयर कितना है, सी शेयर ऑलरेडी 1/6 है तो 3/6 2/6 1/6 तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2:1 यानी कि 3/6 2/6 1/6 एबीसी न्यू रेशियो ए बी एंड सी, जब इसको करेंगे ए बी और सी का न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, ये देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो 3:2:1, तो हमने सूत्र से पता कि अगर आपको न्यू रेशियो दिया हो ओल्ड रेशियो दिया हो तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर अगर यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया लेकिन सी का न्यू शेयर दिया होगा तो सी का न्यू शेयर दिया है तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और ऐसे कैलकुलेट करने पर अब हम जाके अगर हमको निकालना है कि कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा तो कभी भी अगर एक कंडीशन होता है इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन द ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो जो ओल्ड रेशियो होता है पार्टनर का वही क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो आप ऐसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे और जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, यानी कि आपको इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रयोग से आप प्रैक्टिस करेंगे, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क आवर ग्रुप और क्लास, थैंक यू।